सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। देखिए, हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स में कंटिन्यू माध्य सीखा हमने, उसके बाद में माध्यक, बहुलक और नेक्स्ट आता है परास या परिसर। ये दोनों एक ही है, बहुत जने कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको कभी परास नाम से आता है और कभी परिसर नाम से आता है, तो आपको करना क्या है, देखिए जो आंकड़े दे रखे हैं उसमें सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जो भी आंकड़े हैं उनमें बड़ी संख्या ढूंढना है और एक देखना है सबसे छोटी संख्या, उन दोनों का जो डिफरेंस है यानी अंतराल है वही इसका क्या होगा, परिसर। तो इसको व्यवस्थित अगर छोटी क्लासों में करना है तो कैसे करेंगे वो मैं थोड़ा बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले देखिए आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा दो, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर आरोही क्रम में रखने के लिए आपको क्या करना है, पता है आरोही क्रम कहते हैं किसको है, बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, यानी सबसे पहले छोटी संख्या आएगी उसके बाद में बड़ी संख्या। तो नेक्स्ट देखते हैं यहां पे, यानी आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना है, तो मैंने आपको अच्छे ढंग से बताया हुआ है कि आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है, किसी भी क्रम में आप रख सकते हैं। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटी संख्या पहले उसके बाद में बड़ी संख्या। तो सबसे पहले आंकड़ों को देखते हैं और यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है वो मेरे पास में 6 है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 6, उसके बाद में है 8, उसके बाद में है 10 है वो दो बार है, देखिए एक बार और ये दो बार, तो दोनों बार लिखो कंटिन्यू। नेक्स्ट है 10 के बाद में जो जस्ट बड़ी संख्या है वो है 15, तो यहाँ आ जाएगा 15 है वो कितनी बार है, एक बार, दो बार और तीन बार, तो तीनों बार लिख दिया। नेक्स्ट 15 के बाद में जस्ट बड़ी संख्या है वो सीधा 50 है यानी 50, उसके बाद में जस्ट बड़ी संख्या हमारे है 80, और 80 के बाद में जस्ट बड़ी संख्या है 100, और 100 के बाद में जस्ट बड़ी संख्या है वो 120। ठीक है, तो इस ढंग से आपके सभी आंकड़े वो आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। अब आपको क्या करना है, जैसे परास निकालना है या फिर कह सकते हैं परिसर निकालना है, तो सबसे बड़ा अंक देखना है। देखो परिसर मैं लिख लेता हूँ, परिसर निकालना आपको, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यानी लास्ट वाली और सबसे पहली वाली संख्या, इसमें अंतर निकालना, यानी 120 में से घटा दो आप 6, ये आ गया हमारा 120 में से 6 को घटाएंगे सीधा आ जाएगा 114, तो ये आ गया इसका परिसर, यानी कुल मिला के जो भी आंकड़े दे रखे हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर है वही क्या होता है, परिसर या परास। तो आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, वह आंकड़े किसी भी विषय वस्तु से संबंधित आ सकते हैं, बड़े आंकड़े छोटे आंकड़े जितने भी आए उनमें देखना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको घटाना है, जिसे आ जाएगा परिसर।